राजस्थान लो तोली वंदे भारत को रेल ने प्रधान मोदी जेंडा ऊपि प्रारंभिंचारु। अजमीर टू दिल्ली कंटोनमेंट मध्य नडिचे वंदे भारत रेल नु प्रधानी वर्चुअल गा प्रारंभिंचारु। अजमीर नुंची दिल्ली कंटोनमेंट वरकु वेल्ले वंदे भारत जयपुर मीदुगा 5 गंटल नुंडि 15 निमिषाल लोपु गम्यस्थानानिकि चेरुतुंदि। इंतकु मुनुपु शताब्दी एक्सप्रेस अदे मार्गंलो अत्यंत वेगंगा नडिचे रैलु कागा 6 गंटल 15 निमिषाल्लो गम्यस्थानानिकि चेरेदि। वंदे भारत रैलु अंदुबाटुलोकि रावडंतो ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది, దీంతో ప్రయాణికులు ఆనంద వ్యక్తం చేస్తున్నారు। దేశ్ మే వందే భారత్ ట్రైన్ కే సంచాలన్ కో లేకర్ దేశవాసియో మే గజబ్ కా ఉత్సాహ హై। మాన్య ప్రధానమంత్రి జీ నే ఆజ్ రాజస్థాన్ కీ జనతా కో సెకండ్ జనరేషన్ కీ ఉన్నత వందే భారత్ ట్రైన్ దీ హై। ఇస్కే లియే మాన్య ప్రధానమంత్రి జీ కా బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్। అజ్మేర్ సే దిల్లీ కో జోడ్నే వాలీ యే వందే భారత్ రాజస్థాన్ కీ పహలీ హై ఔర్ దేశ్ కీ 15వీ వందే భారత్ ట్రైన్ హై। राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने अपने आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया, जहाँ 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। आपको राजस्थान के हर एक व्यक्ति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में करीब करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुंमुखी विकास भी शामिल है, चाहे ट्रैक हो, गेज कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो या वंदे भारत ट्रेन, सभी दिशाओं में तेजी से काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी आपका एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रेल मंत्री महोदय श्रीमान अश्विन कृष्णव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की रेल क्रांति के संकल्प को अथक प्रयासों के माध्यम से सतत साकार करने वाले माननीय रेल मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस समारोह में सादर अनुनय राजस्थान की जन आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से हम सादर निवेदन करेंगे, कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय कलराज मिश्र जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, तमाम उपस्थित मंच पे सांसदगण, नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को पहली प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संस्कृत में कहूँगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए
जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ मैं मिस्टर जाफर शरीफ से उस जमाने से मैं देख रहा हूँ, ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं, और आज़ादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखते रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर में पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले पाली गई है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे। और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों। और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे तीन जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहाँ हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमुत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मीरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाड़मेर को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रिंगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसका लाभ आने वाले वक्त में